हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT12 लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, जिसे आपने एग्जाम अपेयर करने से पहले अवश्य सॉल्व कर लेना चाहिए। यहां पर पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वैक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर ई क्यूब। यहाँ पर वैक्टर है ए इज इक्वल टू 012, बी इज इक्वल टू 202, सी इज इक्वल टू 023। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कन्वेक्स। 100% आता है क्वेश्चन इस टाइप का। यहाँ पर सेट है S1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x, y सच दैट x² + y² > 4। और दूसरा सेट है S2 इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x, y सच दैट x > 3 एंड y < 5। वेरीफाई योर रिजल्ट बाय ड्राइंग द ग्राफ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k आर द फॉलोइंग वैक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ये तीन वैक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर के का वैल्यू बताना है, जिससे कि ये तीनों वेक्टर क्या हो, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो। 101, 1 - 10, k - k 2। उसे चौथा है, चेक द वेक्टर्स a1 = 1, 3, 2, a2 = 5 - 2, 1 एंड a3 = -7, 13, 4 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। इफ सो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल LP प्रॉब्लम। इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 - 3x2 - 2x3 सब्जेक्ट टू 3x1 - x2 + 2x3 < 7, 2x1 - 4x2 > 12, -4x1 + 3x2 + 8x3 = 10, x1 x2 > 0, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, यूज द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये भी 100% पूछा जाता है, सिंप्लेक्स मेथड पर बेस्ट क्वेश्चन। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 + 5x2 + 4x3 सब्जेक्ट टू 2x1 + 3x2 > 8, 2x2 + 5x3 > 10, 3x1 + 2x2 + 4x3 > 15, x1 x2 x3 > 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग LP प्रॉब्लम बाय यूजिंग टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। यहाँ पर है, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 - 2x2 - 3x3 सब्जेक्ट टू -2x1 + 3x2 + 3x3 = 2, 2x1 + 3x2 + 4x3 = 1, x1 x2 > 0। चौथा, सॉल्व द फॉलोइंग LP प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 6x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू 2x1 + 3x2 > 30, 2x1 + 2x2 > 24, x1 + x2 > 3, x1 x2 > 0। ठीक है, उसके बाद पांचवा, सॉल्व द फॉलोइंग LP प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 + 2x2 + 3x3 - x4 सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 + 3x3 = 15, 2x1 + x2 + 5x3 = 20, x1 + 2x2 + x3 + x4 = 10, x1 x2 x3 x4 > 0। उसके बाद अगला, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय द टू फेज मेथड एंड गिव योर कंक्लूजन अबाउट द सॉल्यूशन। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 + x2 सब्जेक्ट टू 2x1 + x2 > 0, x2 > 2, x1 x2 > 0। उसके बाद सातवां, सॉल्व द फॉलोइंग LP प्रॉब्लम बाय यूजिंग टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 - 2x2 - 3x2 सब्जेक्ट टू -2x1 + 3x2 + 3x3 = 2, 2x1 + 3x2 + 4x3 = 1, x1 x2 > 0। मतलब हमें सिंप्लेक्स मेथड और टू फेज सिंप्लेक्स मेथड दोनों से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। हर बार एग्जाम में प्राय पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद इसी में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, इसमें भी कह रहा है ऑल्सो फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी हमें इसमें जो है UV मेथड का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक मेथड जरूर आता है, 100% आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग LPP। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 सब्जेक्ट टू x1 - 3x2 + 4x3 = 5, x1 - 2x2 > 3, 2x2 - x3 > 4, x1 x2 > 0 एंड x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। उसके बाद अगला, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। 100% पूछता है ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पर मैक्सिमा जेड इज इक्वल टू 5x1 + 7x2 सब्जेक्ट टू x1 + x2 ≤ 4, 3x1 + 8x2 ≤ 24, 10x1 + 7x2 ≤ 35, x1 x2 > 0। उसके बाद अगला सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली। ठीक है, अब यहाँ पर LPP को ग्राफिकल मेथड से और यहाँ पर गेम प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम समझते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लेता है, तो इन दोनों क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व कर लेना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर इस गेम प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद राइट द LPP फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसका हमें LPP फॉर्म लिखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर्मुलेट अ सूटेबल LPP ऑफ द गेम विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्लेयर। ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, गेम प्रॉब्लम को हमें LPP फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं कम समय में सॉल्व किया जा सकता है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद ये भी 100% पूछा जाता है, यूज डोमिनेंस प्रिंसिपल टू सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाई। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगला, 5 persons आर अवेलेबल टू डू 5 tasks, द कॉस्ट फॉर डूइंग द टास्क बाई ईच ऑफ द 5 persons इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर हमें कह रहा है फाइंड द असाइनमेंट डेट विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। 100% पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। उसके बाद आते हैं, एक्सप्रेस द पॉइंट पी 1, 2, 1, 4 एज अ कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स A, 0, 0, B, 0, 1 एंड C, 0, 1, 0। उसके बाद चेक वेदर 2, 3 इज इन द कन्वेक्स हल ऑफ द पॉइंट्स A, B एंड C। इफ यस, राइट 2, 3 एज अ कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A, B एंड C। उसके बाद राइट द LPP फॉर्मुलेशन ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद अगला, अ फार्म मैन्युफैक्चरर्स पील्स इन 2 sizes A एंड B। ए कंटेंस 2 grams ऑफ एस्प्रिन, 5 grams ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 1 gram ऑफ कोडीन। बी कंटेंस 1 gram ऑफ एस्प्रिन, 8 grams ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 6 grams ऑफ कोडीन। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 12 grams ऑफ एस्प्रिन, 74 grams ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 12 grams ऑफ कोडीन फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट इफेक्ट। इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स अ पेशेंट शुड टेक टू गेट इमीडिएट रिलीफ। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ स्टैंडर्ड LPP एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। उसके बाद आते हैं, द ओनर ऑफ अ स्मॉल मशीन शॉप हैज 4 mechanists अवेलेबल टू डू 4 jobs। जॉब्स आर ऑफर्ड विथ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फॉर ईच mechanist एज फॉलोज। इसमें कह रहा है, फाइंड बाई यूजिंग द असाइनमेंट मेथड द असाइनमेंट ऑफ mechanist 2 jobs डेट विल रिजल्ट इन अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद सॉल्व द अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसके बाद गिव द टेबुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग TP। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके बाद अगला, फॉर द डाटा ऑफ अ TP। ठीक है, m = 3, n = 4, और इस तरह से ये डेटा के लिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट A, राइट द एक्टिविटी वेक्टर ऑफ द वेरिएबल्स x31, x23, x14, राइट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A, राइट द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स D ऑफ A ऑफ ऑर्डर 6x6। उसके बाद रिप्रेजेंट द फॉलोइंग TP इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमें दिए गए TP को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम अपेयर करने से पहले कुल मिलाकर ये 30 questions हैं, इन्हें एक बार अवश्य सॉल्व कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।